नमस्कार दोस्तों दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जो आपकी मेंस एग्ज़ाम लिए गए थे और आपके टाइपिंग टेस्ट भी लिए गए थे। इसका यहाँ पर पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टेनो ASI, ठीक है ना। इसका स्टेनो ASI का आपका पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है, नोटिस यहाँ पर डाल दिया गया है। देखिए रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई जाएगी, कब कराई जाएगी, सारा इसमें डेट दे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, 438 कैंडिडेट हैं जो सफलतापूर्वक मेंस एग्ज़ाम में जो कि स्टेनो ASI का है इसमें सफल हुए हैं, उनका कब कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा इसका लिस्ट आ चुका है। तो चलिए पूरा डिटेल्स देख लेते हैं क्या है इस लिस्ट में, कब कब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, कितने कैंडिडेट को उसमें रोल नंबर दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। तो पूरा चलिए डिटेल्स देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से डाउनलोड हो गया, पूरा देखेंगे। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, महत्वपूर्ण सूचना, विज्ञापन संख्या आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट ऑफ मेंस एग्जाम ऑफ स्टेनो ASI अंडर एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2018 हेल्ड ऑन 23/8/2019। दो शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराए गए थे, 23 को और 24/8/2019 को कराए गए थे। कैंडिडेट आपके 438 पास्ट इन स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट हुज रोल नंबर आर लिस्टेड ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि नीचे में दिया गया है। द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू कम पर्सनली ऑन, देखिए 12, 13, 14, यानी कि आपके 3 दिन यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे सितंबर 2019 को। तो 12, 13, 14 3 दिन कराए जाएंगे ड्यूरिंग ऑफिस आवर एट BPSSC ऑफिस पटना ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी आपको आपके डॉक्यूमेंट है वो ले जाना है, क्या क्या ले जाना है सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ सेट ऑफ फोटो कॉपीज, जितने डॉक्यूमेंट हैं आपको उसके फोटो कॉपी भी ले जाने हैं, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, फोटो कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके जितने हैं, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके जितने हैं उसके सारे सर्टिफिकेट ले जाने हैं, सबके सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना है, यानी कि जहाँ के आप निवासी हैं, निवासी जाति ये सब सारे नॉन क्रिमिलियर है तो उसका सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। SC ST कैंडिडेट हैं इसका सर्टिफिकेट, आपके जाति निवास और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का आपका सर्टिफिकेट है उस सारे सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, और उसके आपको फोटो कॉपी भी ले जाना है। और यहाँ पे वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले जाना है। डिसेबल जो कैंडिडेट हैं उनका सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे। एम्प्लॉय ऑफ बिहार के जो पहले के एम्प्लॉय हैं जो बिहार गवर्नमेंट के, वो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएंगे। ETC का मतलब और भी जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट रहेंगे वो सभी ले जाने हैं। और ID प्रूफ के लिए भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब सारी चीज़ आप ले लीजिएगा। फोटोग्राफ्स आपको चाहिए तो तत्काल का फोटोग्राफ्स जो आप लगाए होंगे उस पर वो आप ले जाइएगा फॉर वेरिफिकेशन, तभी आपका वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे दिया गया शुड ऑल्सो ब्रिंग द एडमिट कार्ड, आप परीक्षा का जो एडमिट कार्ड होगा वो भी आपको ले जाना है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड मैंने बताया, ये सारी चीज़ आपको ले जानी, जो भी कागजात हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सारी चीज़ आपको ले जानी है, मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएट तक, टेक्निकल आपने कोर्स किया है उसका सभी का आपको मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट सब सब ले जाने हैं। इसके बाद यहाँ नीचे में देखेंगे विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग पटना बिहार। इसके बाद यहाँ कैंडिडेट का यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना चेक कर लीजिए कितने कैंडिडेट यहाँ पे दिए गए हैं,
ये सभी कैंडिडेट का इसमें दिया गया है, जितनों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो ये है आपका पूरा डिटेल्स, और डॉक्यूमेंट क्या क्या ले जाना है फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देखिए 10th क्लास में आपके मार्कशीट होंगे, जिस पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो भी ले जाना है, उसका सर्टिफिकेट भी आप ले लेंगे। इसके बाद आपने इंटरमीडिएट किया होगा, इंटरमीडिएट का भी सभी डॉक्यूमेंट ले लेंगे, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का भी सभी डॉक्यूमेंट ले लेंगे। जो ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पे आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, जैसे मैं आपको ओरिजिनल भी या फोटो कॉपी भी उसके। इसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आप ये सब चीज़ें आप बनवा लेंगे। जैसे मान लीजिए आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आपको एम्प्लॉय सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यदि वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के कैंडिडेट हैं तो आपको फ्रीडम फाइटर का आपको सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये सब सारी चीज़ आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, वो भी ले जाना है आपको। और इसके बाद आईडी प्रूफ में वोटर आईडी कार्ड आप ले सकते हैं, यदि आपके पास जो भी आते हैं आईडी कार्ड में ये ले सकते हैं, जैसे आपको पैन कार्ड है, ये सब सारी चीज़ें ले सकते हैं। और भी कोई डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।